दोनों पे पढ़ते हैं। और अगर ऐसा कहें कि आत्मनिर्लेप हो सकता, क्या अर्थ? अगर निर्लेप है तो फिर अविद्या किस में आती है, इसका उत्तर ढूंढो। मिथ्या ज्ञान किसको हुआ तो फिर निर्लेप कहाँ हुआ, उसमें घुस गया ना मिथ्या ज्ञान, उसी को ठीक करना है। मिथ्या ज्ञान रहेगा तो बार बार जन्म होगा, बंधन होगा, और मिथ्या ज्ञान हटा देंगे तत्व ज्ञान आ जाएगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। इससे पता चलता है वो इतना निर्लेप नहीं है कि उसमें कोई ज्ञान ना आता हो ना जाता हो, उसमें ज्ञान आता भी है और जाता भी है, मिथ्या ज्ञान भी आता है तत्व ज्ञान भी आता है, वो हटते भी रहते हैं। तो इस तरह से है जीवात्मा, ऐसा निर्लेप नहीं है कि उसको कोई भी ज्ञान नहीं होता, कोई संस्कार नहीं पड़ता, ऐसा नहीं। जी,